Yes. Good morning, dear students. Now, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 10+2 की पोएम, 10+2 की पोएम सेकंड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. इससे पहले हमने ये पोएम रीड की थी, अब इसके करते हैं टेक्स्टुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर 4. सो लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग. उस आंसर को टिक करो जो इसके लिए सूटेबल है. फर्स्ट क्वेश्चन, द टॉल गर्ल विच आर हेड वेड डाउन मीन्स. वह पतली लड़की जिसका सिर उसके बोझ से झुका हुआ है. द गर्ल, वह गर्ल क्या है, इज इल एंड एक्सहॉस्टेड, हैज हर हेड बेंट विद सेम एज अनटाइडी हेयर. तो इसका आंसर फर्स्ट है, इज इल एंड एक्सहॉस्टेड, यानी वह बहुत ही बीमार सी दिखने वाली है और बहुत ही थकी हुई है. सेकंड, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आईज मीन. द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आईज मीन, भी कागज के समान जो लड़का दिखाई दे रहा है और जिसकी चूहे की जैसी आंखें है, इसका क्या अर्थ है, भी वह लड़का कैसा है, क्या है. द बॉय इज, इसमें बॉय कैसा है, शाई एंड सीक्रेटिव, थिन हंग्री एंड वीक, अनप्लीजेंट लुकिंग. आंसर है इसका सेकंड. तो इसका सेकंड आंसर है, सेकंड आंसर है थिन हंग्री एंड वीक. वह बहुत ही पतला है और भूखा है तथा बिल्कुल ही कमजोर है. थर्ड, द सेंटेड अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्ट बोन मीन. ट्विस्ट बोन होता है, ट्विस्ट बोन होता है मुड़ी हुई हड्डियां. अभागा, मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी कौन है. अभागा और मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसएबिलिटी. सेकंड है, वाज शॉर्ट एंड बोनी. तो सी में आंसर है फर्स्ट, हैज एन इनहेरिटेड डिसएबिलिटी, मतलब विरासत में कोई कमजोरी जो हमें विरासत में मिल जाए वो. हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, ए स्क्वेरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन. हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उनकी आंखों में एक सपना है. ए स्क्वेरल गेम, एक गिलहरी के खेल का. इन द ट्री रूम, या रूम के अंदर वृक्ष का. अदर देन दैट दिस, इसका क्या अर्थ है. द बॉयज इज फुल ऑफ ऑफ इन फ्यूचर. यस, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, ए स्क्वेरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन. उसकी आंखों में एक सपना है, गिलहरी के एक गेम का और रूम के अंदर एक वृक्ष का. लड़के के लिए इसका क्या अर्थ है, मतलब इसका आंसर, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, यानी वह जो भी पिक्चर वहां पे दिखाई दे रही है उनकी तरफ उसका आकर्षण है. ई पार्ट है, द चिल्ड्रन फेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, यानी बच्चे का जो चेहरा है ना उसकी तुलना रूटलेस वीड्स के साथ की गई है. रूटलेस वीड्स होता है अनचाह जंगली घास, रूटलेस जिनकी जड़ ना हो, जड़ रहित जंगली घास. दिस मीन दे, इसका क्या अर्थ है. दिस मीन दे, इसका अर्थ है आर वेस्टर्स, यानी वेस्ट जो खरपतवार कह सकते हैं, वेस्टर्स मीन खरपतवार. ये इसका थर्ड आंसर सही है. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक
is the color of sour cream? What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used his expression to describe the classroom? To describe the क्लासरूम वॉल, अर्थात आपके विचार में, व्हाट डू यू थिंक, आपके विचार में सोर क्रीम कलर का क्या रंग, सोर क्रीम कलर का रंग कौन सा होता है? बी, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, आपके विचार में सार क्रीम का कौन सा रंग होता है? व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड हिज एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल? Why do you think the poet? कवि ने कक्षा की दीवारों का वर्णन करने के लिए इस अभिव्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? Why do you think the poet has used his expression to describe the classroom wall? भी कवि ने ऐसी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, ऐसी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए इस रंग का प्रयोग क्यों किया है? Now answer, the wall are creamed color. भी उस स्कूल की या उस रूम की जो दीवारें हैं ना, वो क्रीम कलर की है, यानी उन पे क्रीम कलर का पेंट किया गया है. But they have not been repainted for a long time. But परंतु they have not been repainted, परंतु उन पर दोबारा रंग नहीं किया गया है. For a long time, लंबे समय से, परंतु उन दीवारों पे लंबे समय से दोबारा रंग नहीं किया गया है. दे हैव बिकम डिसकलर्ड, दे हैव बिकम डिसकलर्ड मतलब वे अब बिल्कुल ही रंगहीन, डिसकलर्ड का मीनिंग यहाँ पे डिसकलर्ड मतलब रंगहीन हो गई है. दे हैव बीन बिकम डिसकलर्ड, और अब वे बिल्कुल ही रंगहीन हो चुकी है. सो द पोएट रेफर्स टू दीज द फेडिंग कलर ऑफ द वॉल एज सोर क्रीम. सो इसलिए द पोएट रेफर, कवि ने व्यक्त किया है, इसलिए कवि ने उन दीवारों के कलर को सोर क्रीम के रूप में व्यक्त किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विद डॉम्स, वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटिफुल वैली. हाउ डू यू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन. भी कक्षा की दीवार ऑफ द क्लासरूम, कक्षा की दीवारें आर डेकोरेटेड मीने सजाई गई है. कक्षा की दीवारें शेक्सपियर के चित्र से सजाई गई है, या गुंबद वाले डोम वाले नक्शे से सजाई गई है, वर्ल्ड मैप संसार के मानचित्र से भी सजाई गई है, एंड ब्यूटीफुल वैली और सुसज्जित घाटियां भी उन पे दिखाई गई है. हाउ डू यू कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, इनका बच्चों के संसार के साथ किस प्रकार विरोधाभास है, कंट्रास्ट होता है विरोधाभास. हाउ डू यू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, कक्षा की दीवारें शेक्सपियर की तस्वीरों, गुंबद वाले भवनों की तस्वीरों, संसार के नक्शे और सुंदर घाटियों से सुसज्जित है, इनका बच्चों के संसार के साथ किस प्रकार विरोधाभास है? नाउ आंसर, देयर इज ए बिग कंट्रास्ट बिटवीन द पिक्चर शोन ऑन द वॉल एंड द रियल वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन. देयर इज ए बिग कंट्रास्ट बिटवीन द पिक्चर शोन ऑन द वॉल्स एंड द रियल वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन. देयर इज ए बिग कंट्रास्ट, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है. बिटवीन द पिक्चर दैट शोन ऑन द वॉल, जो दीवार पर पिक्चर दिखाई गई है, और जो बच्चों की झोंपड़ियों की जो वास्तविक संसार है, उनके बीच में बहुत ही बड़ा विरोधाभास है. देयर इज ए बिग कंट्रास्ट बिटवीन द पिक्चर शोन ऑन द वॉल्स
एंड द रियल वर्ल्ड, और वास्तविक संसार जो दीवारों पे पिक्चर दिखाई गई है वो, और जो वास्तविक उन बच्चों का वास्तविक संसार है, उसमें बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। शेक्सपियर डज नॉट मीन एनीथिंग टू दीज पुअर चिल्ड्रन। शेक्सपियर डज नॉट मीन एनीथिंग टू दीज पुअर चिल्ड्रन। शेक्सपियर के चित्र का उन गरीब बच्चों के जीवन में कोई अर्थ नहीं है। शेक्सपियर के चित्र का उन गरीब बच्चों के जीवन में कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मीन होता है अर्थ होना, एनीथिंग कुछ भी नहीं, टू दीज पुअर चिल्ड्रन उन गरीब बच्चों का, उन गरीब बच्चों के जीवन में, यानी शेक्सपियर के चित्र का उन गरीब बच्चों के जीवन में कोई मतलब नहीं है। मोर एवर देयर वर्ल्ड इज कन्फाइंड टू डार्क एंड नैरो लेंस ऑफ देयर स्लम। मोर एवर इसके अतिरिक्त, मोर एवर MOREOVER, मोर एवर देयर वर्ल्ड उनका संसार इज कन्फाइंड सीमित है, इसके अतिरिक्त उनका संसार जो है सीमित है, कहाँ तक, डार्क एंड नैरो लेंस ऑफ देयर स्लम, उनकी झोंपड़ियों की गंदी गलियों तक सीमित है, इसके अतिरिक्त उन लड़कों का संसार तो, उन बच्चों का संसार तो गंदी बस्तियों की अंधकार में और गंदी गलियों तक ही सीमित है। देयर वर्ल्ड इज इन कंट्रास्ट टू द बिग बिल्डिंग एंड ब्यूटीफुल वैलीज। देयर वर्ल्ड इज इन कंट्रास्ट टू द बिग बिल्डिंग एंड ब्यूटीफुल वैली। और दूसरा कंट्रास्ट किस में, दूसरा विरोधाभास किस में, बिग बिल्डिंग एंड ब्यूटीफुल वैली। और दूसरा विरोधाभास सुंदर सुंदर है पिक्चर जो दिखाई गई है चित्र में, और सुंदर घाटी दिखाई गई है, उसका भी संसार के साथ विरोधाभास है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। कवि गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए क्या चाहता है, व्हाट डू यू द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम, यानी गंदी बस्तियों के जो बच्चे हैं उनके लिए कवि क्या चाहता है, हाउ कैन देयर लाइव बी मेड टू चेंज, उनके जीवन को किस प्रकार बदला जा सकता है, हाउ कैन देयर लाइव, कैसे उनका जीवन बी मेड टू चेंज बदला जा सकता है। अब आंसर, द पोएट वांट्स दैट द वॉल सराउंडिंग दीज स्लम चिल्ड्रन शुड बी ब्रोकन। द पोएट वांट्स दैट द वॉल्स सराउंडिंग दीज स्लम चिल्ड्रन शुड बी ब्रोकन। भी कवि चाहता है कि उन बच्चों की झोंपड़ियों के चारों ओर जो दीवारें हैं ना, उनको तोड़ देना चाहिए। दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड टेकन टू ग्रीन फील्ड एंड सी बीचेज अंडर द ओपन स्काई। दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, उन्हें अपने चारों ओर के वातावरण से बाहर आना चाहिए। दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड टेकन टू ग्रीन फील्ड, और हरे भरे खेतों में ले जाना चाहिए, एंड सी बीच और समुंदर के किनारे पे, अंडर द ओपन स्काई खुले आकाश में, यानी उनको अपने सराउंडिंग से बाहर निकलना चाहिए और हरे भरे खेतों में, समुंदर के किनारे और खुले आकाश में उनको घुमाना चाहिए। दे शुड बी एजुकेटेड, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। दे शुड बी एजुकेटेड, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। देयर शुड बी नो सोशल इनजस्टिस इन देयर वर्ल्ड, इन देयर, देयर शुड बी नो सोशल इनजस्टिस इन देयर वर्ल्ड, और उनके लिए इस संसार में किसी भी प्रकार का सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो सोशल इनजस्टिस इन देयर फील्ड,
और उनके साथ उनके अपने संसार में किसी भी प्रकार का सोशल अन्याय नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स।